विदिशा जिले के कृषि विभाग के अंतर्गत भू संरक्षण विभाग में कार्यरत रहे कर्मचारी हेमंत नायक जनवरी 2018 में रिटायर हुए थे। दो साल के बाद भी उनकी पेंशन जारी नहीं हुई, जिसकी वजह से अन्य क्लेम भी नहीं हो पा रहे। प्रशासनिक जनसुनवाई के दौरान वो अपनी पत्नी के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति लेने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट पहुंचे, जिस पर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने पीड़ित के आवेदन पर 7 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गले में तख्ती लटकाए पति पत्नी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस सरकारी सिस्टम की पोल खोलती यह हकीकत हेमंत नायक की परेशानी बयां कर रही है। हेमंत नायक का कहना है, रिटायर्ड होने के बाद विभाग की उदासीनता और द्वेष भावना से किए जा रहे काम की वजह से उनकी पेंशन और अन्य क्लेम आगे नहीं बढ़ रहे। विभाग के अधिकारी जानबूझकर इसमें देरी और बेवजह परेशान कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटियों की शादी के लिए बाजार से कर्ज लिया, अब कर्जदार परेशान कर रहे हैं। मजबूरी में मैं यहां से वहां भटक रहा हूं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों और नेताओं को आवेदन देकर थक गया हूं। यहां से कुछ हो पाया तो ठीक, नहीं तो मरने के अलावा कोई विकल्प मेरे पास नहीं। मैं हेमंत कुमार नायक, अनुरेखक कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी विदिशा। सर, मैं पिछले जनवरी 2018 से सेवानिवृत्त हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ। सेवानिवृत्ति के दिनांक से आज दिनांक तक मेरा पीपीओ आदेश जारी नहीं किया गया, और पीपीओ जारी आदेश नहीं होने से मेरे सारे क्लेम रुके पड़े हुए हैं। दो साल से मेरा परिवार भुखमरी की कगार पे है। मैं अनेकों बार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन कर चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय, सभी को मैं आवेदन दे चुका हूँ। सर, परिवार में भुखमरी की कगार पे है, हमारे पास पैसे नहीं है, कर्जदारों को पैसे देना है, मैं कैसे पैसे दूँ? बिल्कुल फिर मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सर, कृषि विभाग के कर्मचारी हैं जो जिनके जन सुनवाई में उन्होंने अपनी मांग रखी कि पिछले 2 साल से उनका पेंशन प्रकरण मतलब पीपीओ जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्होंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। और जिसमें जो चूँकि विलम्ब क्यों हुआ है इसकी जाँच करते हुए और शीघ्र 1 सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल आला अधिकारियों ने पीड़ित की शिकायत सुन 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, विदिशा।